राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको जैसी मेरी माँ कटहल का अचार बनाती है वैसा अचार बना के दिखाती हूँ, तो चलें बनाने। हमने ये कटहल ले लिया है, इसको हाथों में तेल लगाकर, और इसमें दूध होता है ना, हाथों में तेल लगाकर और चाकू पे भी तेल लगाकर इसको कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया है, थोड़े बड़े बड़े पीसेस में इसको कट करेंगे। अब इसको ब्लांच कर लेंगे। इसको मैंने धो लिए थे, फिर धो के अब इसको ब्लांच करेंगे। तो उसके लिए मैंने पहले ही पानी रख दिया था, और इसमें हम ये कटहल डाल देंगे। उसे 1-2 मिनट तक पकाएंगे। इसको ज़्यादा भी नहीं पकाना है, सब्जी नहीं बनानी है हमने, हमने अचार बनाना है, तो इसको 2 मिनट तक पका लेंगे। ठीक है, चलिए 1-2 मिनट हो गए हैं। बिल्कुल यही चाहिए था हमको। अब हम इसे छन्नी में ट्रांसफर कर लेंगे। बिल्कुल हमारे परफेक्ट पके हैं। तो यहाँ देखिए, नाखून मार के देखिए, अगर आराम से नाखून लग रहा है तो परफेक्ट है हमारा पका हुआ। हमें स्टीम लेना कटहल में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर पकता नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। इसके बाद कटहल, इस बात का आपका ध्यान रखना पड़ेगा कि इसे ज़्यादा ना पकाएं। बस अब इसको धूप में रख देंगे। धूप में मैंने कपड़ा पहले ही फैला दिया था, अब इसको एक एक करके यहाँ पे फैला देंगे। अब इसको 4-5 घंटे की धूप देंगे। हमारा कटहल धूप में काफी सूख गया है, देखिए काफी सूख गया है। अब हम मसाले की ओर चलते हैं। मसाले में 1 चम्मच बड़ा सरसों, 1 चम्मच छोटा सरसों, 1/2 चम्मच मेथी, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, थोड़ी काली मिर्च और थोड़ी ये 5 से 6 साबुत मिर्च। इसको मीडियम फ्लेम में थोड़ा थोड़ा, हमने लाल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा इसको जब खुशबू आ जाए तो इसको बंद कर दें। मेरा शायद बर्तन ज़्यादा गर्म हो गया था। अब इसको मिक्सी के बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको पीस लेंगे। ओहो ज़्यादा, इसको दर दरा पीस लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना है क्योंकि हमने अचार में डालना है इसको। इसे मैंने दर दरा पीस लिया है। अब हम चलते हैं, अब इसमें फ्राई पैन में ऑयल डाल लेंगे, तेल डाल लेंगे, थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, हो सके तो सरसों का तेल ही डालें, अचार में सरसों का तेल अच्छा लगता है। तेल तब तक गर्म करें जब तक इसमें धुआं ना निकलने लग जाए। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें अच्छा, अब 1 चम्मच हल्दी, 2 से 2.5 चम्मच लाल मिर्च कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी पाउडर, और कलौंजी 1 चम्मच, थोड़ा अजवाइन 1 चम्मच, और 1 छोटा चम्मच हींग। अब इनको सबको मिक्स कर लेंगे।
एक बाउल में डालकर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें वो जो हमने पिसा था मसाला वो भी डाल लेंगे। इसको मिक्स करके मिक्स कर लेंगे। हमने मिर्च पीसने में डाल रखी थी, जो ये लाल पाउडर है कश्मीरी लाल मिर्च, इसकी सिर्फ कलर के लिए है ये। अब वो गरम गरम इसमें तेल डाल देंगे जो हमने अभी गरम किया था। इसको मिक्स कर देंगे। गरम तेल इसलिए डालते हैं कि थोड़ा जो कच्चापन रह जाता है मसालों में वो फिर पक जाता है। सॉरी, मैंने थोड़ा ऑयल और डाला गरम करके। अब इसमें 2 बड़े चम्मच अमचूर पाउडर इसलिए क्योंकि हम इसमें आम के साथ बनाते हैं, लेकिन आम तो हम अभी नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे, इसमें मिल जाए, अच्छी तरह से मिल जाए। मिक्स करके अब इसमें वो अचार डाल देंगे जो हमने सुखाया था ना कटहल को, वो कटहल डाल देंगे। ये अच्छी तरह सूख गया है मेरा, अब इसको इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉरी, इस प्रोसीजर में आपको नमक चेक कर लेना है, अगर नमक कम है तो डाल लीजिए, यहीं पे डालना है। अब इसमें अगर आपको ये अचार बन गया है, अगर इसमें आपको ज़्यादा दिन के लिए लेना है तो थोड़ा सा विनेगर डाल लें, 1 चम्मच के लगभग विनेगर डाल लें। फिर इसको ढंग से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको 2 घंटे के लिए ढक देंगे। दो घंटे बाद अचार रेडी है। अब इसको एक सूखा कांच का बर्तन ले लेंगे। मैंने इसको स्टीम करके सुखा लिया है, कपड़े से सुखा लिया है। अब इसको हम इसमें अचार को इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से सारा अचार इसमें भर लेंगे।